दोस्तों ये है मेगाफेइस स्मार्ट पैडलॉक। ये एक ताला है जो कि फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आता है। वैसे मार्केट में आपको बहुत सारे ताले मिल जाएंगे चाबी के साथ में, और कुछ ताले जो हैं वो न्यूमरिक सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ में आते हैं, 3 डिजिट्स या फिर 4 डिजिट्स। अब वैसे टाइप के जो ताले हैं वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होते हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको चाबी कहाँ पर आपने रखा हुआ है वो याद रखना पड़ता है। प्लस अगर आप न्यूमरिक लॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो जो न्यूमरिक सीक्वेंस है उसे भी आपको याद करना पड़ता है। लेकिन इस लॉक में वैसा झंझट नहीं है। ये जो मेगाफेइस स्मार्ट पैडलॉक है ये काफ़ी सिक्योर भी है और स्ट्रॉन्ग टाइप का भी है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको व्यू प्रोडक्ट्स करके लिंक दिख जाएगा, उसे अगर आप टैप करेंगे वहां से आप इसे खरीद पाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूं। तो इस प्रकार की कॉम्पैक्ट सी बॉक्स पैकिंग में आता है, और बॉक्स के अंदर आपको एक तो ये यूज़र मैनुअल मिलने वाला है जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, प्लस किस प्रकार से आपको ये जो लॉक है इसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में भी जानकारी दिया हुआ है। अब मैंने इस प्रकार के बहुत सारे लॉक्स यूज़ किया है, इनफैक्ट इससे सस्ते टाइप के कह सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसकी जो क्वालिटी है कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी है, और इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये भी काफ़ी अलग है दूसरे लॉक्स के कंपैरिजन में। वैसे मैंने जो दूसरे लॉक्स खरीदे हैं वो भी फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में हैं। तो बॉक्स में आपको ये लॉक मिलने वाला है, इसकी जो क्वालिटी है देखिए काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि आपको नॉर्मल लॉक्स जो मार्केट में मिलते हैं उसी प्रकार का है, लेकिन टफ टाइप का है। बॉक्स में इसके अलावा ये है USB टू टाइप सी केबल, इसे यूज़ करके ये जो लॉक है जिसमें बिल्ट इन बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। पीछे एक QR कोड दिया हुआ है जिसे यूज़ करके जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसिंग मॉड्यूल है वो यहाँ पर आगे की तरफ दिया हुआ है, और ये देखिए ये इस प्रकार से काम करता है। ऑटोमेटिकली जो लॉक है जब आप फिंगरप्रिंट को इसके ऊपर प्रेस करेंगे सेंसर के ऊपर तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और अगर सही फिंगरप्रिंट होगा तो ये देखिए इसने अनलॉक कर दिया है। और लॉक करने के लिए आपको ये देखिए इस प्रकार से इसे प्रेस करना है। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये देखिए ये अनलॉक हो गया है, इमीडिएटली अनलॉक हो जाता है, और अब मैंने इसे लॉक कर दिया है। इसमें आप तकरीबन 100 फिंगरप्रिंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, और यहाँ पर ये देखिए टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिसे यूज़ करके इसमें जो बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। इसमें 150 mAh की बैटरी है, स्टैंड बाय टाइम तकरीबन 2 महीने का है, और अगर आप फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं मतलब कि बार बार इसे अनलॉक करते हैं तो तकरीबन 2500 टाइम्स आप इसे यूज़ कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप ये जो लॉक है इसे यूज़ नहीं कर रहे थे और 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, लॉक कंडीशन में है, और इसकी जो बैटरी है ये ड्रेन हो गया है, तो ये जो लॉक है ये बेसिकली ऑफ कंडीशन मतलब कि लॉक कंडीशन में ही रहने वाला है, आप इसे अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसका बैटरी ड्रेन हो गया है तो आपको इसे चार्जिंग पे रखना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप इसे अनलॉक कर पाएंगे इमीडिएटली। ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना हुआ है, IP65 वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन के साथ में आता है, डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन। वैसे जो लॉक है ये एक्सटेंडेड आउटडोर यूज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं है, जिम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस दौरान आपका जो बैग है उसे आपको लॉक करना है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रे और ब्लू कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। इस प्रकार के जो लॉक्स हैं ये बेस्ट हैं इसलिए क्योंकि आपको बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी आपको इसे अनलॉक करना है तो आपका जो फिंगरप्रिंट है उसे आपको यूज़ करना है, और ये देखिए ये इमीडिएटली अनलॉक हो जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से इसे सेटअप कर सकते हैं। वैसे इसका जो सेटअप प्रोसेस है ये दूसरे लॉक्स के कंपैरिजन में अलग है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी अलग है। DBD+ करके जो एप्लीकेशन है उसे आपको आपके स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करना है, और ये जो स्मार्ट पैड लॉक है इसे पेयर करना है स्मार्टफोन के साथ में। ये जो प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी कर दिया है, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि बैटरी लेवल कितना है, और ये जो एप्लीकेशन है इसे यूज़ करके भी आप अनलॉक कर सकते हैं। ये देखिए अब ये कनेक्ट होगा और ये जो लॉक है इसे अनलॉक करने वाला है। अब मुझे ये जो लॉक है इसे विक करना है। वैसे मैं दूसरा फिंगरप्रिंट यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, आपको बताने के लिए कि ये देखिए अब ये अनलॉक हो गया है। तो एप्लीकेशन यूज़ करके भी आप डायरेक्टली ये जो लॉक है इसे अनलॉक कर सकते हैं, इनकेस फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा है तो आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप तभी कर पाएंगे जब आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन किया होगा और जो एडमिन है उसे सेट किया होगा, मतलब कि कोई भी दूसरा व्यक्ति इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसे अनलॉक नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितने लोगों ने ये जो लॉक है इसे अनलॉक किया था, और यहाँ पर अन्य ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आपको नया फिंगरप्रिंट ऐड करना है तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट में जाइए, फिंगरप्रिंट सेटिंग में जाइए, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ न्यू FP फिंगरप्रिंट और सेव करता हूँ, और अब मुझे यहाँ पर इसे प्रेस करना है। अब ये ऑन हो गया है, अब मुझे फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करना है तो मैं मेरा जो दूसरा फिंगर है उसे यूज़ करके रजिस्टर करता हूँ। ये देखिए अब ये रजिस्टर हो गया है, और यहाँ पर एक और फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा, ये देखिए जो न्यू
एफ भी मैंने ऐड किया है वो यहाँ पर आ गया है। अगर मैं चाहूँ तो इसे डिलीट कर सकता हूँ और इसे लॉक करते हैं और ये देखिए इससे भी ये अनलॉक हो रहा है। तो बड़ी आसानी से आप जो यूज़र्स है उसे ऐड कर पाएंगे इस एप्लीकेशन का उपयोग करके। अब इस प्रकार के जो दूसरे लॉक्स मैंने यूज़ किया है उसमें एप्लीकेशन नहीं है, मतलब कि ये जो सेंसर है इसी के ज़रिए ही मैं यूज़र्स को ऐड कर पा रहा था और बेसिकली जो सेटअप प्रोसेस है वो लॉक के ज़रिए ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन दिया हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा इजी मेथड है। इस लॉक का प्राइसिंग है 6,800 रुपीज़ के आसपास, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।